आज मैं आपके लिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल चटपटी स्वादिष्ट खट्टी मीठी दो तरह की इमली की चटनी घर में बनाना बताऊंगी। आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। पहला हम बनाएंगे समोसा पेटिस कचौड़ी पकौड़ा के साथ खाई जाने वाली इमली की लाल वाली चटनी, और दूसरा हम बनाएंगे दही भल्ला पानी पूरी चाट के साथ सर्व होने वाली इमली की चटपटी खट्टी मीठी चटनी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समोसा पकौड़ा में खाई जाने वाली इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम इमली, आप देख सकते हैं रेशे वाली इमली है और इसके अंदर भी बीज है, तो आपको बिना बीज का अगर इमली मिलता है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम गरम पानी में इमली को फुलाएंगे कम से कम आधा घंटा। तो 1 कप पानी डाला मैंने। जब तक पहली चटनी की इमली फूल रही है मैं दूसरी चटनी की इमली को भी भिगोने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम इमली लिया है, इसमें भी रेशे और बीज है, हम एक बाउल में डाल देते हैं। अगर कप से नापे तो 1 कप इमली है और ये आधा कप, तो इस इमली को भी हम गर्म पानी में फूलने के लिए छोड़ देते हैं। 2 कप पानी डाला है। 30 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इमली सॉफ्ट हो चुकी है। अब इमली को हम पकाएंगे, तो कढ़ाई में डाल दें फूली हुई इमली पानी के साथ। हमने 1 कप पानी डाला है और अभी 500 ml पानी डालते हैं। चूल्हे के फ्लेम को तेज कर दें। इमली की चटनी में सोंठ का पाउडर यानी जिंजर पाउडर पड़ता है, तो घर में हमेशा सोंठ का पाउडर दोस्तों अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पे मैं एक बहुत आसान तरीका आपको बता रही हूँ कि सोंठ के बदले इसी टाइम आप इसमें 2 इंच कद्दूकस करके अदरक डालें। जब हम इमली का पल्प मैश करेंगे तो ये मोटे मोटे गुद्दे भी सब बाहर हो जाएंगे और सारा अर्क पानी में आ जाएगा अदरक का। यहाँ पे मैंने 2 इंच अदरक को कद्दूकस करके डाला है। 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है और बहुत अच्छे से इमली का गुद्दा सॉफ्ट हो चुका है, इमली ठंडी हो चुकी है। हम अपने हाथों से थोड़ा मैश कर लेते हैं ताकि पल्प बीज से अलग हो जाए। इमली को हाथों से मैश करने के बाद एक बर्तन के ऊपर स्ट्रेनर रखें और छान लीजिए। बहुत आसानी से सारा पल्प नीचे बाउल में आ जाएगा और ऐसे इमली की बर्बादी भी नहीं होती है। तो बहुत ही बढ़िया इमली का पल्प तैयार है। फिर से सेम कढ़ाई में डालिए इमली वाला पानी यानी इमली का पल्प। फ्लेम को हाई कर दे। 50 ग्राम इमली में हम डालेंगे 2 कप चीनी या फिर ग्राम में देखें तो 250 ग्राम। 1 कप पानी और डाल दीजिए। फ्लेम को हाई रखें और इस तरीके से चलाते रहें ताकि चीनी घुल जाए। अभी तक हमने इसमें 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। इमली और चीनी को पकते 5 मिनट हो चुका है और पानी भी थोड़ा कम हो गया है, और जब आप इस तरीके से चम्मच से करेंगे तो थोड़ा गाढ़ा भी आपको दिखेगा। अब इसमें डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच काला नमक। काला नमक से बहुत अच्छा स्वाद आता है। 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक यानी कुटी हुई लाल मिर्च, आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और बिल्कुल बाजार जैसा कलर लाने के लिए यहाँ पे मैं 1 पिंच रेड फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बिना फूड कलर का भी बना सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला, बस थोड़ा सा सूरत इसका यानी कलर बहुत अच्छा आएगा चटनी का। बस 1 पिंच डाला है, एक बार मिला ले, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। फ्लेम को कम कर दिया है। 1 बाउल में मैंने 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर को लिया है, इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल दीजिए और इस तरीके से मिला लें। पानी हमें गरम इस्तेमाल नहीं करना है। मिलाने के बाद अब फ्लेम को बढ़ा दें और इसमें हम पहले 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल डालेंगे और इस तरीके से एक बार मिला लेंगे और फिर से डाले 2 चम्मच, फिर से मिला ले। जब आप इस तरीके से चटनी को गिराए तो आपको हल्की गाढ़ी दिखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी हमें नहीं करना है क्योंकि चीनी से बना रहे हैं ये चटनी, तो जब ठंडी होगी तो चीनी वाली चाशनी खुद ब खुद गाढ़ी होगी। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 2 मिनट के लिए और पका लें। टोटल हमने चटनी को 10 मिनट के लिए पकाया है। फ्लेम को बंद कर दें। चटनी अभी गर्म ही है और मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो देखिए लाल लाल इसी तरह की चटनी गर्मा गर्म समोसे के साथ मिलती है। तो हलवाई वाले लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये चटनी ब्रेड पकौड़ा या फिर किसी भी तरीके के पकौड़े के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। कलर भी देख सकते हैं और कितना पतला है वो भी देख सकते हैं। पेटीज के साथ भी
आप ये चटनी खाएं तो 50 ग्राम इमली में बहुत सारी चटनी बनके तैयार हुई है। मैंने उतना सारा बाउल में निकाला और आप कढ़ाही देख सकते हैं। जब चटनी ठंडी हो जाएगी तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके एक महीने तक खा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी चटनी, चाट गोलगप्पे और दही भल्ले के लिए। इमली बहुत अच्छे से फूल चुकी है, हमें अपने हाथों से इस तरीके से इमली को मैश करना है और इसके बीज को अलग करना है। अच्छे से मैश कर लिया है, सारे गुद्दे अलग हो चुके हैं। अब हम एक बर्तन में स्ट्रेनर रख करके छान लेते हैं। इस तरीके से चम्मच से हिलाइए। छानने के बाद भी आप देखेंगे कि इमली का पल्प अभी भी छिलके में है। फिर से हम छिलके वाले पल्प को उसी बॉल में डाल देते हैं। आधा कप पानी डालिए और हाथों से एक बार मिला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सारा इमली का पल्प निकला। फिर से छान लीजिए। दो बार छानने से जरा भी बर्बादी नहीं होती है। और ये जो मोटे मोटे पल्प और रेशे बचे हैं, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तांबे और पीतल के बर्तन से रगड़े तो साफ हो जाएंगे, बिल्कुल चमचमाने लगेंगे। अब इस इमली की पल्प को हम पकाएंगे। गैस पे कढ़ाही चढ़ाया है और मैं एक बार आपको पल्प नाप के भी दिखा देती हूँ। तो मेजरिंग कप से ये 2 कप है। फ्लेम को बढ़ा दीजिए। अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम गुड़। 100 ग्राम इमली में 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहें ताकि गुड़ मेल्ट हो जाए। गुड़ घुल चुका है। अगर आपके गुड़ में गंदगी या रेशे हैं तो गुड़ के पिघलने के बाद एक बार और छान लें। उबाल आने के बाद फ्लेम को हाई टू मीडियम ही रखें। ढकना हमें बिल्कुल नहीं है। 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि गुड़ गाढ़ा हो चुका है। फ्लेम को कम कर दे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। जैसा मैंने कहा कि आधा छोटी चम्मच हमें सोल्ट का पाउडर डालना है। अगर सोल्ट का पाउडर ना हो आपके पास तो 2 इंच अदरक को मिक्सी में पीस लीजिए और पानी डाल के हमें छान लेना है, क्योंकि अदरक डालने से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 इंच अदरक को मिक्सी में पीस के पानी डाल के छान ली हूँ, या फिर इसके बदले सोल्ट पाउडर डाले। आधा छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला, आधा छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको बहुत तीखी वाली इमली चटनी बनानी है तो मिर्ची थोड़ा और डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच काला नमक और आधा छोटी चम्मच रेगुलर नमक यानी सफेद नमक मिला लीजिए। आप देख सकते हैं चटनी बहुत गाढ़ी हो चुकी है। फ्लेम को अब हमें कम रखना है, बिल्कुल भी मीडियम नहीं कीजिएगा वरना चटनी जल जाएगी। मसाले डालने के बाद हम 3 मिनट के लिए और पका लेते हैं। इमली की खट्टी मीठी स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार है। फ्लेम को बंद करने से पहले एक बार आप चख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि गुड़ कम है, क्योंकि कुछ गुड़ ज़्यादा मीठी होती है कुछ कम होती है, तो आप 1-2 चम्मच ऊपर से चीनी भी इसमें इस टाइम डाल सकते हैं। और चटनी इतनी ही गाढ़ी रखिएगा, इससे गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो थोड़ा और भी गाढ़ी होगी। फ्लेम को बंद कर दीजिए और मैं इसे एक बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। तो आप इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों, कलर भी बहुत बढ़िया आया है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। दही बड़े के साथ ये चटनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आप बनाइए और फ्रिज में इसे 2 महीने तक स्टोर करके रख दीजिए। दोनों चटनी को आप कचौड़ियों में भी खा सकते हैं। चाट गोलगप्पे में भी ये चटनी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आपने देखा दोनों चटनी को हमने कितने आसान तरीके से बना लिया। तो आप जरूर ट्राई करें।